भारत डिफेंस से जुड़ी अपनी तैयारियों के मामले में रूस को भरोसेमंद साथी के रूप में देखता रहा है। माना जाता रहा है कि चाहे जो भी संकट आए, चाहे जो भी देश चुनौती दे, लेकिन रूस तो भारत की मदद करेगा ही। उसकी डिफेंस कंपनियां भारत को सैन्य साजो सामान की सप्लाई जरूर करेंगी। ये जो सोच है, अब इस पर नए सिरे से विचार करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन संकट के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध के दायरे में आने वाली कंपनियों के साथ कारोबारी रिश्ते बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें काफी जोखिम है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, उनका दायरा काफी बड़ा है। उनका मकसद ये भी है कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी अब ना मिल जाए। इससे रक्षा उपकरण बनाने की रूस की क्षमता पर आंच आएगी। फिर वो वादे के मुताबिक इन चीजों की सप्लाई नहीं कर पाएगा। भारत के लिए यही समस्या है जो रूस पर निर्भरता है। भारत हथियारों के, मशीनरी और उनके रखरखाव का साजो सामान रूस से ही मंगाता है। भारत के फाइटर जेट हों या टैंक, इनमें से अधिकतर मशीनरी अब भी रूस में ही बनाए जाते हैं। उनके मेंटेनेंस और फिटनेस के सर्टिफिकेट भी रूस में ही दिए जाते हैं, जबकि वो हथियार प्रणालियाँ काफ़ी पहले भारतीय सेना में शामिल की जा चुकी हैं। कल पुर्जों की सप्लाई के मामले में रूसी पक्ष कई बार कड़ी मोल तोल भी करता रहा है। वैसे रूस से रक्षा उपकरणों की सप्लाई लाइन के बारे में दुविधा के बादल 21वीं सदी की शुरुआत से ही छाने लगे हैं, लेकिन एक के बाद जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने हालात के मुताबिक कदम उठाने में सुस्ती दिखाई थी। ऐसा लगता है कि कुछ ताकतों ने ऐसे देश पर भारत की निर्भरता बनाए रखने में साठगांठ की है, जिसका साइज भारत के जीडीपी के लगभग आधे के बराबर है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो भारत के सामने सैन्य साजो सामान के लिहाज से विकल्प सीमित हो गए हैं। विदेश से अत्याधुनिक हथियार खरीदना एक बात है, लेकिन खरीदारी के इतने वर्षों बाद भी भारत में उनके मेंटेनेंस और सर्विसिंग का इंतजाम ना हो पाना बिल्कुल ही अलग बात है। चीन ने अपनी इकोनॉमी बढ़ने के साथ डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत बनाया है। भारत ने इस दिशाओं में कुछ ही प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस का नाम लिया जा सकता है, लेकिन इसके भी कई अहम पुर्जों के लिए हम रूस पर ही निर्भर हैं। इंडस्ट्री का अनुमान ये है कि भारत अब हथियारों और उनके कल पुर्जों के मामले में 60-70% तक रूस पर निर्भर है। इनमें भी निर्भरता जिन चीज़ों को लेकर है, उनसे चिंता पैदा हो रही है। अगर हम ऐसी स्थिति की कल्पना करें तो में लड़ाकू विमानों, टैंकों और एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा लक्षर तो मौजूद हो, लेकिन उनका इस्तेमाल ही ना किया जा सके, क्योंकि कल पुर्जों की तंगी के चलते उनकी सर्विसिंग नहीं हो पाएगी। ये तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है, खासतौर से तब जब भारत उत्तर और पश्चिम दो मोर्चों से चुनौती का सामना कर रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।